भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। नमस्कार आप सारे लोगों को और भोजपुरिया समाज को भी नमस्कार और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। विजय जी, एक नई फिल्म आपकी शुरू हो रही है, बताइए जरा नाम से शुरू कीजिए और नाम तक कब बताइए। फिल्म का नाम है जलजला और इस फिल्म को हम लोग जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे शूट करने के लिए। अभी उसकी तैयारियां चल रही हैं, म्यूजिक पे भी काम चल रहे हैं और अपने ऊपर भी वर्कआउट करना है, तो इसके लिए अभी हम लोग फर्स्ट जून से ही करने वाले थे पिक्चर, तो हमें एक डेढ़ महीने का और भी टाइम चाहिए उसके जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब से काम करने के लिए। ये आपकी दूसरी फिल्म होगी? जी, अभी पहली फिल्म बब्बर का ट्रेलर रिलीज किया था हम लोगों ने, सारे लोगों ने बहुत आशीर्वाद और प्यार दिया इसके लिए, थैंक यू। और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बब्बर नज़दीकी सिनेमा घरों में लगेगा और बहुत एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनी है, सारे यूनिट ने बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया है, तो आप लोग प्लीज़ आइएगा और अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। अच्छा, आप थोड़ी शायद जल्दी में थे, आपने बब्बर की रिलीज नहीं की, बब्बर का रिस्पॉन्स नहीं देखा और दूसरी फिल्म बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्यों ऐसा? शायद आपको बड़ा विश्वास है। जी हाँ, विश्वास नहीं है, ये पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद है जो अभी ट्रेलर जितने लोगों ने देखा है, अच्छा कमेंट है, अच्छा रिस्पॉन्स है कि बब्बर आने वाले टाइम पे एक बहुत अलग फिल्म है और जब भी मतलब मुझे इतना विश्वास है पब्लिक जरूर हमें आशीर्वाद और प्यार देगी, इसलिए हम दूसरा फिल्म की भी तैयारी में लग गए हैं। अच्छा, इसमें क्या कैरेक्टर होगा? मुझे वीरू ठाकुर ने बताया कि शायद एक बार फिर से विजय कुमार इंस्पेक्टर की भूमिका में आएंगे। हो सकता है, अभी तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि राइटर वीरू जी ने जो हमें कहानी बताई है उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वीरू ठाकुर के साथ क्यों आप फिल्म करना चाहते हैं? एक्चुअल में हम पहली बार भी जब बब्बर करने आए थे इंडस्ट्री में, पहली बार जब आए थे तब भी वीरू की कुछ कहानियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं, ऑलरेडी पवन जी की काफ़ी हिट फिल्में दिया है वीरू ने और मैं उनके साथ में, मेरा एक सपना था कि मैं पिक्चर वीरू जी से एक बार लिखवाऊंगा, तो मैं पहली फिल्म नहीं कर पाया था उनके साथ में, तो दोबारा मैंने उनको चांस दिया और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसका, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं और कहानी मैंने सुनी अच्छी भी है, बहुत साफ सुथरी कहानी है और जब भी सिनेमा में आएगा तो आप लोगों को मनोरंजन जरूर करेगा। हीरोइन कौन होगी जलजला में? हीरोइन की तलाश अभी हम लोग कर रहे हैं और ऑप्शन में दो तीन हीरोइन को हम लोग लेके अभी बातचीत चल रही है, नाम तो अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को हीरोइन के लिए नाम भी अलाउंस हम लोग करेंगे। हीरोइन के लिए तलाश चल रही है, मतलब अगर कोई लड़की प्रेशर हो जिसने फिल्म नहीं की है, जो फिल्मी दुनिया से मिलेंगे, उसे भी चांस देंगे आप लोग? देखिए, हमारा तो टारगेट ही है एक, मैंने अभी बब्बर एक्चुअल में मेरी पहली मूवी थी तो ये बोलना मेरा गलत था कि मतलब मैं नए लोगों, हाँ मैं शुरू से ही अपना एक टारगेट रखा हूँ कि कुछ नए लोगों को चांस दूंगा और अच्छी कोई एक्टर्स अगर नई भी मिलती हैं, देखिए हर कोई शुरू में काम करने वाला आदमी नया ही होता है, तो मैं भी चाहूँगा कि अगर कोई नया एक्टर और अच्छी मिलते हैं तो ज़रूर हम लोग चांस देंगे। कब से आपकी फिल्म शुरू हो रही है और कहाँ कहाँ शूट करेंगे? हम ये शूट जो करेंगे ये सिद्धार्थनगर ज़िले में करेंगे, यूपी में, अभी बब्बर हमने लखनऊ में किया था तो इसको सिद्धार्थनगर ज़िले में करेंगे और हम लोग जुलाई में, मतलब जुलाई तक में ये पिक्चर करेंगे। मेरे ससुराल है सिद्धार्थनगर में, तो मैं आ सकता हूँ? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, आपका ससुराल भी नहीं है फिर भी आ सकते हैं क्योंकि सिद्धार्थनगर छोटा नहीं है, बड़ा है। अच्छा, सिद्धार्थनगर पे क्यों चुना गया खासतौर पे? एक्चुअल में वहाँ मेरा घर है। अच्छा। हाँ, मेरा जन्मस्थली है वहाँ पे और मैं 22 साल उस जिले के अंदर में, उस गांव के अंदर में अपना जिंदगी को बिताया है, तो मैं, मेरा भी एक सपना है कि मैं अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लिए, जिले के लिए कुछ करूँ, तो मैं वहाँ पे शूटिंग करने का मेरा इच्छा है। बप्पर आने से या बनने से विजय को हीरो वाली पहचान मिली सिद्धार्थनगर में? हाँ ज़रूर मिली है, वो मान सम्मान और सारी चीज़ें लोगों ने बोला भी कि मतलब आज गांव से पहली बार मैं निकल के कोई इंडस्ट्री के या फिल्म लाइन में गया है, तो वो ज़रूर पहचान मिलती है और मिली है, लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। तो लड़के हैं, दोस्त हैं, उनका नज़रिया कुछ बदला है या अभी भी वैसे ही बातें होती हैं? नहीं देखिए, दोस्त का तो जो हम लोगों का स्कूली लाइफ है वो तो बातें वैसे ही होती है, हम चाहे बिजनेसमैन रहे हों या मतलब अभी हीरो का काम करने लगे तो भी बातचीत उतना ही होती है, बोलते हैं साथ में, तो दोस्ताना तो नहीं बदल सकते हम लोग ना, वो तो रहता ही है, कहीं भी बैठेंगे तो अपनापन तो रहता ही है। बब्बर का रिस्पांस कैसा रहा, क्या इस पे जलजला की मेकिंग डिपेंड करेगी? बिल्कुल, और मुझे कहीं ना कहीं बब्बर से काफ़ी ऊपर की फिल्म जलजला बनानी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी खूबसूरत चंदन उपाध्याय जी ने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है बब्बर, तो कहीं ना कहीं ज़रूर इस पे नज़र रहेगा कि इससे
क्योंकि उससे कमजोर तो फिल्म हम बना नहीं सकते ना, उससे बड़ी फिल्म बनानी होती। मतलब चंदन जी ने काफी अच्छी फिल्म बनाई है। हाँ, फिर भी आप जलजला में उन्हें डायरेक्टर नहीं रखना चाहते? देखिए क्या होता है, कभी कभी एक डायरेक्टर एक लाइफ टाइम एक प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकते हैं, हमें भी नए नए टेस्ट और नई नई तरीकों की चीज़ों को चाहिए। तो हो सकता है अभी दूसरी फिल्म अजय जी के साथ कर रहे हैं, तीसरी फिल्म में उनको भी चांस दें या किसी और को भी चांस दें, अजय जी ही कंटिन्यूटी करें। देखिए एक अपना टेस्ट होता है कि कौन सा टेस्ट किसको कैसा लगता है, तो हमें भी अभी पहली फिल्म की और दो तीन फिल्में तो हमें भी अलग अलग टेस्ट लेने दीजिए। कल्लू को रिपीट करने का ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रिपीट किया, हम कल्लू के लायक जो सब्जेक्ट हमारे पास एक दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और हो सकता है तीसरी फिल्म हम कल्लू को लेकर फिर एक बार हम दोनों की जोड़ी साथ में आए पर्दे पर नजर आए। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाइएगा बब्बर देखने। थैंक यू।